तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे लैपटॉप के बारे में जो अभी रिसेंटली लॉन्च होने वाले हैं और फर्स्ट सेल इसकी स्टार्ट होने वाली है, जिसके बारे में आपको वीडियो के अंदर आगे पता चलेगा। पहले तो आपका बजट अगर 25,000 है या इससे कम ही है, और आपका काम ज्यादा हैवी नहीं है, क्योंकि आप देखो भाई 25,000 रुपए अगर आप खर्च करोगे तो आप उससे कोई हैवी गेमिंग और एडिटिंग तो करने की उम्मीद रखना भी मत। 25,000 रुपए से नीचे आपके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सबसे पहले यहाँ पर दो नए मॉडल जो है वो इन्फिनिक्स की तरफ से आ चुके हैं, और ये लैपटॉप स्टूडेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है अगर आपका बजट 25,000 रुपए से नीचे है। तो बात करते हैं कि कौन कौन से लैपटॉप जो है वो इन्फिनिक्स ने लॉन्च किए हैं इसके अंदर। तो इन्फिनिक्स की जो सीरीज चल रही है, एक तो एक्स सीरीज है और एक वाई सीरीज है। इसके अंदर है Y1+ Neo, ये मॉडल है। इसके अंदर दो वेरिएंट इन्होंने लॉन्च करे हैं, एक है 8GB रैम 256GB की SSD, दूसरा है 8GB रैम 512GB की SSD, मतलब 512GB SSD आपको मिल रही है इन लैपटॉप्स के अंदर 25,000 रुपए से नीचे। और ये है फ्लिपकार्ट पे इनका लॉन्च पेज, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। यहाँ पर आप प्राइसिंग देखो इनकी सबसे पहले, तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। जो 256GB वाला है उसकी प्राइसिंग है 21,000 रुपए, और उसके बाद जो 512GB वाला है उसकी प्राइसिंग है 23,000 रुपए, 22,990 रुपीज। प्राइसिंग के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट चॉइस आपको लिए हुए हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की, कि क्या ये लैपटॉप उतने पावरफुल हैं भी या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की, जो आपको इसके अंदर मिल जाती है 15.6 इंच की बिगेस्ट डिस्प्ले। अब यहाँ पर ये 14 इंच वाले लैपटॉप नहीं है, ये 15.6 फुल टाइप के लैपटॉप है। यहाँ पर इसके अंदर आपको मिलेगी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग टाइप सी के साथ, तो सी चार्जर से भी इसे चार्ज कर सकते हो, बस वो पावर डिलीवरी सपोर्टेड होना चाहिए, ये चीज है। फर्स्ट सेल होने वाली है 26 अप्रैल को इसकी फर्स्ट सेल है, 20,990 से स्टार्ट होगा। स्टार लगा हुआ है, दैट मीन्स कि कोई ऑफर लगेगा इस पे। यह है एक वाइब्रेंट डिस्प्ले, कलर रिच एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिलेगी। 250 निट्स पीक ब्राइटनेस, 86% sRGB कलर गैमेट है। अल्ट्रा नैरो बेजल्स आपको मिल जाएंगे साइड में, काफी बढ़िया चीज है। और स्पीकर्स की बात करें तो भाई देखो 2 वॉट के डुअल स्पीकर मिलेंगे, स्टीरियो साउंड आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अब है बैटरी, बैटरी के अंदर अगर बात करें तो यहाँ 40 वॉट आवर की आपको इसके अंदर बैटरी मिलेगी। इसके अंदर ये क्लेम कर रहे हैं कि पूरे दिन बैटरी चलेगी और 8 आवर का वीडियो प्लेबैक आपको इसके अंदर मिल जाएगा, तो बैटरी बैकअप आपको काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। मीडियम टू मॉडरेट यूज के अंदर आपको आराम से 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप दे देना चाहिए इसे। उसके बाद यहाँ पर ये चार्जिंग है, 75% चार्ज 1 घंटे के अंदर हो जाता है, तो चार्जिंग भी काफी फास्ट है। डिजाइनिंग तो खैर है ही है, 18.5 mm थिकनेस है इसकी, 1.7 kg वेट है। हालांकि वेट मेरे को थोड़ा सा ज्यादा लगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना तो मैनेज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है ट्रैक पैड, 6.36 इंच का ट्रैक पैड आपको वाइड ट्रैक पैड मिल रहा है, एटलीस्ट इतना बड़ा ट्रैक पैड होगा तो आप इजिली इसमें मूव इन कर सकते हो। हालांकि एक माइनस पॉइंट और भी है इसके अंदर, कि जो इसका की पैड है वो न्यूमेरिक की के साथ नहीं आता, फुल साइज कीबोर्ड नहीं है इसके अंदर। मेरा ये मानना है कि अगर आप 15.6 इंच का लैपटॉप दे रहे हो तो आपको फुल साइज का कीबोर्ड भी इसके साथ देना चाहिए। इसके अंदर आई थिंक एलईडी लाइट्स भी हैं कीबोर्ड के अंदर, तो ये भी एक पॉइंट है। फ्रंट कैमरे के अंदर 2 मेगापिक्सल का फुल HD वेबकैम आपको मिलेगा, क्वालिटी आप सभी को ऑलरेडी पता ही है वेबकैम की क्या होती है। डुअल LED स्टार लाइट, वही रियलमी बुक की तरह ही आपको इसके अंदर वो मिल जाएगा। AI नॉइस रिडक्शन, स्टे कनेक्टेड। अब पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, देखो भाई माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलेगा, जिसके अंदर आप एक 128GB 256GB 1TB तक का कार्ड आप इसके अंदर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा स्टोरेज आपको मिल जाएगी। USB टाइप सी पोर्ट मिलेगा, ईयरफोन पोर्ट मिलेगा, और USB A 3.0 का आपको पोर्ट मिल जाएगा। कौन सी जेन का है, जेन 1 है जेन 2 है इसका नहीं पता। फिर मिलेगा आपको अदर साइड HDMI USB 3.0 का एक और पोर्ट, और एक टाइप सी पोर्ट और मिल जाएगा जिससे आप चार्जिंग कर सकोगे। उसके बाद यहाँ पर है सीमलेस लिंक टू इन्फिनिक्स इकोसिस्टम, वही मोबाइल लिंक वाला सिस्टम है जैसे रियलमी के अंदर आता है रियलमी मिरर। नो नीड फॉर मोर स्पीड। बात करते हैं इसके हार्ट, इसके माइंड, इसके पावर हाउस के बारे में, कि कौन सा प्रोसेसर आपको मिल रहा है। इसके अंदर आपको मिलेगा इंटेल सेलरन का प्रोसेसर। अब देखो भाई 25,000 रुपए से नीचे आपको i3 तो बहुत रेयर ही मिलेगा, आपको इंटेल सेलरन ही मिलेगा, क्वाड कोर लेटेस्ट 11th जनरेशन का।
विद इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स। अब यहाँ पर इन्होंने इन्हें ये मेंशन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये तो इसके साथ खुद मिलता है। मतलब स्टोरेज वही 512GB की SSD मिलेगी। ये एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर मेरे को लगा या फिर एक प्लस पॉइंट लगा इस लैपटॉप का कि आपको 512GB की SSD आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। हालांकि क्या स्पीड है क्या बेस्ड है ये तो इसका भी कुछ नहीं पता, कौन सी जनरेशन है कुछ नहीं पता इसका। और उसके बाद कूलिंग टेक्नोलॉजी है, 4 डिग्री तक कूल कर देगा, वो सब कहने की बातें होती हैं। तो मैंने आपको बताया था ये बैकलिट कीबोर्ड है RGB वाला। ये देखो ये यहाँ पर आप क्लियरली देख लो, बैकलिट कीबोर्ड है। 1.5 mm का की ट्रैवल आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगा। 5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम आपको इसके अंदर मिल रहा है। गो बिग ऑन प्रोडक्टिविटी, लेटेस्ट विंडोज 11 मिलेगी, मल्टीपल डेस्कटॉप फीचर, स्प्लिट स्क्रीन फीचर भी आपको मिल जाएगा। हालांकि इसके अंदर डिस्क्लेमर में है, द सेगमेंट रेफर्स टू एग्जिस्ट लैपटॉप पावर्ड बाय इंटेल सेरेनॉन प्रोसेसर विद 15.6 इंच डिस्प्ले, प्राइस अंडर 30K एंड लॉन्च्ड बिफोर Feb 23, डाटा एज पर टेस्टिंग डन इन इन्फिनिक्स लैब। तो ये भी जो भी डाटा इन्होंने दिया ये इन्फिनिक्स लैब के अंदर ही टेस्टिंग की हुई है। ये तो बात हुई इन्फिनिक्स के इन दो लैपटॉप्स के बारे में। ये दो लैपटॉप्स हैं, एक 21,000 का एक 23,000 का। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि इनके अलावा 25,000 से नीचे आपके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं लैपटॉप्स के। तो ये है यहाँ पर लिस्ट। सबसे पहले आता है Asus VivoBook 14। इसके अंदर आपको मिलेगी 4GB रैम और उसके अंदर आपको मिल रही है 8GB की रैम, तो डबल फायदा है आपको इसके अंदर। हालांकि ये Asus है, जाना माना ब्रांड है, इन्फिनिक्स अभी इतना ज़्यादा बढ़िया इमेज नहीं है लैपटॉप के मामले में। फिर इन्फिनिक्स का नियो आ जाता है, इन्फिनिक्स इनबुक नियो, ये पुराना हो चुका है और 4GB रैम के साथ आता है। तो 8GB रैम आपको बहुत मुश्किल ही देखने को मिलेगी किसी भी लैपटॉप के अंदर। तो इन लैपटॉप्स के अंदर आपको 8GB की रैम बहुत मुश्किल ही देखने को मिलेगी और ज़्यादातर जो इनके अंदर प्रोसेसर मिल रहे हैं वो डुअल कोर हैं सेलरन के, क्वाड कोर आपको बहुत मुश्किल देखने को मिलेगा। और भी तो आपको AMD मिलेगा, तो एथलोन और ये सब आपको मिलने वाले हैं 22-23 हज़ार रुपये के अंदर। इतना तगड़ा जो है वो आपको परफॉर्मेंस 25,000 रुपये से नीचे लैपटॉप के अंदर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इन्फिनिक्स ये जो एक्स सीरीज है, X2Y+ करके जो भी नियो करके है, तो ये सीरीज आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको जस्ट मीडियम टास्क करने हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ इन लैपटॉप से आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, कोई आप यहाँ पर गेमिंग नहीं खेल सकते और कोई हैवी काम नहीं कर सकते, जबकि आप इनसे इजिली अपना डे टू डे वर्क कर सकते हो, ऑफिस यूज कर सकते हो, MS ऑफिस के सारे एप्स स्मूथली चलेंगे, कोडिंग कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, कोडिंग भी बहुत इजीली ये लैपटॉप सपोर्ट कर लेंगे। उसके अलावा आप हल्की फुल्की फोटोज एडिटिंग या फिर अडोबी के सॉफ्टवेयर हल्के फुल्के चला सकते हो। देखो भाई, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप ये सोच के लो कि आप अडोबी के सॉफ्टवेयर चलाओ इसके अंदर, तो इसका ध्यान रखना, हल्के फुल्के चला सकते हो इतना कुछ है। लेकिन भाई, आप प्राइस भी तो आप कंसिडर करो ना कि आप 23-24 हज़ार रुपये में आपको 8GB रैम के साथ 512GB की स्टोरेज मिलेगी, क्वाड कोर इंटेल का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है और काफी कुछ तगड़े फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इन लैपटॉप्स को लेके नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश करते हैं इन लैपटॉप्स को अगर हम एक्सपीरियंस कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसा भी होगा आपको इस चैनल पे पता लगता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।